इधर जो है हो गया मछली, बगल में फ्राई हो रहा है चिकन, इधर जो है निकल रहा है मटन। तो नॉनवेज का आपको जो चाहिए वो मिलने वाला, थोड़ी देर में बनेगा कलेजी पथरी और भी अलग अलग वैरायटीज जो है वो बनने वाला है। और ये ऐसे मसाला मिक्स किया जा रहा है मछली में, हैं ऊपर से जाएगा ऐसे सरसों तेल। सरसों तेल जा रहा है इसका, मतलब मुर्गा बनने के बाद ऊपर से सरसों तेल ऐसे। तो बड़ा नया चीज देखने को मिला ऐसे का टेस्ट इतना, मतलब एकदम अमेजिंग है। यहाँ का मटन चिकन का टेस्ट बहुत बहुत शानदार है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब बहुत पुराना दुकान है, हम लोग बहुत दिन से यहाँ पे खाते हैं। मुर्गा का ऐसे तो रेट रहता है सिर्फ मुर्गा का 45-50, साइज पे डिपेंड करता है। ये वाला ऐसा क्या रेट हुआ? ये वाला रेट रहेगा 45 रुपए, कुछ नहीं, एक दो गर्दन रहता है, बाकी सारा लेग का और थाई का पीस। अच्छा, इसमें सिर्फ लेग और थाई का ही पोर्शन है? जी जी, बाकी कोई चेस्ट वेस्ट नहीं? चेस्ट लाते ही नहीं। तो अभी हम लोग हैं फुलवाड़ी साइड आए थे कुछ ढूंढने, और कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, महीने पहले एक हम लोग वीडियो बनाए थे, इधर नहीं उधर था, संजय पंडित होटल, जहां पर हम लोग मछली खाए थे, चिकन खाए थे, बहुत कुछ खाए थे। पर समझ लीजिए कि बस उन्हीं के रिश्तेदार या पता नहीं कौन है, मिलता जुलता नाम है एक और होटल का, जिसका कि नाम है सूरज पंडित होटल। 60 साल पुरानी जगह है, चिकन मटन मछली अलग अलग वैरायटीज का हर कुछ मिलता है। तो कम्प्लीटली समझिए नॉनवेज डेस्टिनेशन है ये। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं फुलवाड़ी शरीफ में, इधर जो है शिव मंदिर है, आगे में है फुलवाड़ी शरीफ ब्लॉक ऑफिस, और उसी के बिल्कुल बगल में है ये जगह जिसका नाम है सूरज पंडित होटल। चिकन को बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे, पारंपरिक तरीके से कोयले के आंच पे बनता है, और एकदम पुराना रेसिपी है, वो नॉर्मल रेसिपी जो है वो नहीं है, कुछ हटके यहाँ का रेसिपी है, तो वो आपको दिखाएंगे और टेस्ट इसका बताएंगे। इधर देख सकते हैं कि इधर चिकन बनना स्टार्ट हो गया, क्या क्या डालें इसमें? हल्दी है, मिर्चाई है, नमक है और तेल है। पानी भी डाले हुए हैं? पानी भी डाला हुआ है। सबसे पहले इस तरह से प्याज को गलाते हैं? इसको प्याज के गलाने पड़ता है, उसके बाद मुर्गा डालेंगे, फ्राई होगा। अच्छा, तो मुर्गा आया नहीं अभी? अभी मुर्गा आया नहीं, मटन जो है ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और मुर्गा जो है वो अभी आया नहीं है, मुर्गा आएगा फिर बनेगा। क्या रेट होता है मटन का? मटन का 60 रुपीस, 60 रुपीस है। 60 रुपए का एक पीस है, चर्बीदार मटन लग रहा है। हाँ, चर्बीदार मटन है ये। आपका 2 बजे तक का लॉट है? 2 बजे तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर बनेगा? फिर बनेगा सर। आप लोग खाने के लिए पहले से ही आके बैठे हुए हैं? हाँ, यहाँ बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का टेस्ट इतना, मतलब एकदम अमेजिंग है। यहाँ का मटन चिकन का टेस्ट बहुत बहुत शानदार है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब बहुत पुराना दुकान है, हम लोग बहुत दिन से यहाँ पे खाते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, सप्ताह में 3-4 दिन खा लेते हैं। सप्ताह में 4 दिन यहाँ आके खाते हैं? तो यहाँ का जो चिकन को बनाने का प्रोसेस आप देख सकते हैं, मतलब कहीं भी आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि तेल में प्याज डालते हैं, मसाला भूने, फिर चिकन डाले, बट यहाँ अलग तरह से बन रहा है। पानी में ये प्याज को गलाया जा रहा है, तेल एकदम जरा सा था और पानी में प्याज को गलाया जा रहा है, और उसके बाद ये जो है दल घोटनी, मसाला ऊपर से जाएगा? ऊपर से जाएगा मसाला, ऊपर से बनेगा इसका आप ग्रेवी। अच्छा, मसाला अलग से तैयार करते हैं, ये बस प्याज को गला रहे हैं इसमें? प्याज गला रहा है खाली। IPL देखे ही नहीं बल्कि प्राइजेस भी जीते अपने ओपिनियन देकर सिर्फ lotus365.in पर। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस, ऐसे ऐसे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जिस पर कि आप अपना ओपिनियन देकर प्राइजेस जीत सकते हैं। Lotus 365 पर रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपये का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट 24 घंटे। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स, और यहाँ क्रिकेट के अलावा भी 200 क्वेश्चन से ज़्यादा है जिस पर कि आप अपना ओपिनियन देकर ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, निया शर्मा, उर्वशी राउतेला जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए, जल्दी से जाइए और रजिस्टर कीजिए lotus365.in। तो इधर देख सकते हैं कि जो ओनर है वो खुद बैठ के सारा मछली को साफ कर रहे हैं। नाम आप देख सकते हैं सूरज पंडित होटल, तो भैया आप ही का नाम है सूरज जी? तो आप बता रहे हैं कि आप कमेंट करते थे हम लोग के वीडियो पे? जी, हम आपके वीडियो पे कमेंट करते थे कि आने के लिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, फाइनली आप लोग आप आज यहाँ पे आए, बट हम ये कमेंट पढ़ के आए नहीं, हम रैंडमली आए हैं, इधर से गुजर रहे थे तो दिखा तो इंसिडेंस है, हम उस चीज़ को पढ़ के आए नहीं थे, मतलब ये रैंडमली आए और पता चला कि कमेंट आप करते थे हम लोग के वीडियोस पे आने के लिए। और इधर मछली को अच्छे से एक पीस को जो है वॉश किया जा रहा है जी, 2 बार वॉश होता है, 1 बार वॉश नहीं होता, 2-2 बार वॉश करते हैं हम लोग। और ये 60 साल पुरानी जगह बताए हैं, तो ये मतलब आपके पिताजी का है? जी, पंडित उन्हीं का सरनेम है, तो अच्छा, उन्हीं के नाम से चलता है, उन्हीं के नाम से है ये। रगर रगर के जो है मछली को इधर साफ किया, तो भैया बहुत बड़े साइज का है मुर्गा, यहाँ समूचा ही बिकता है। क्या रेट होता है मुर्गा का? मुर्गा ऐसे तो रेट रहता है सिर्फ मुर्गा का 45-50, साइज पे डिपेंड करता है।
ये वाला है, इसका क्या रेट हुआ? ये वाला रेट रहेगा 45 रुपये सिर्फ मूड़ा का, मूड़ा चावल के साथ 80 रुपये होगा, चाहे जितना ही बड़ा मूड़ा हो चावल के साथ 80 रुपये ही मिलेगा। इधर जो है चिकन डालना स्टार्ट हो चुका है, चिकन को भी धो लिया गया है और अब एक एक पीस करके चिकन को डाला जा रहा है और ऐसा ऐसा 3-4 लॉट जो है वो यहाँ बनते रहता है। शाम के वक्त कलेजी पथरी भी बनता है, तो अलग अलग वैरायटी मतलब दिन भर ये प्रोसेस बनते रहता है, ऐसा नहीं कि बल्क में बना के रख दिए। गरम गरम मिलता है खाना यहाँ पर, कभी भी आए गरम गरम मिलता है। चिकन का क्या रेट हो गया? चिकन में 40 रुपये पीस, चिकन 400 रुपये प्लेट। इधर बन रहा है चिकन और यहाँ जो है मछली को धो लिया गया है, अब जो है मछली में ये सारा जो मसाला वसाला है वो डाला जाएगा, फिर मछली को किया जाएगा फ्राई। अदरक लहसुन का इधर आ गया पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और ऊपर में आपको दिख रहा होगा ये मूड़ा। सबसे पहले भैया क्या डाले? जीरा, गोलकी जीरा का पाउडर है। अच्छा, गोलकी जीरा दोनों मिक्स है इसमें, ठीक है। मिक्स जाएगा हल्दी, हल्दी है, हल्दी वगैरह सब अपना ही पिसाया हुआ रहता है। तो 60 साल से आपका यही सब आइटम मिल रहा है? जी 60 साल से यही आइटम मिलता था, पहले एक ही टाइम दुकान चलता था, अब पिताजी के जाने के बाद हम लोग 2 टाइम कर दिए हैं। अच्छा, पहले एक ही टाइम चलता था? हम लोग का 3 होटल है यहाँ पे। और कौन कौन सा है आगे? एक है संजय पंडित है। संजय पंडित आप ही का है? जी जी, धर्मेंद्र पंडित भी है आगे। वो सब लोग आप लोग फैमिली में ही है? जी जी, सब फैमिली में है। संजय पंडित को हम लोग बहुत पहले बनाए थे। जी हाँ, देखे वो वीडियो हम। आप देखे वो वीडियो? ये सिर्फ लहसुन है ना, अदरक नहीं है? नहीं, सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं। अदरक बहुत कस्टमर नहीं खाना चाहते हैं, बोलते हैं कि प्रॉब्लम होता है इसलिए। अब जाएगा ऊपर से तेल, सरसों। ये हो गया मसाला, मसाला है, सरसों पीसा हुआ है, सब चीज़ है। थोड़ा अलग चीज़ दिखा कि मतलब पका हुआ मसाला? पका हुआ मसाला, पका हुआ मसाला डलता है मछली के मैरिनेशन में। जी अच्छा, काफ़ी लग रहा है कि ये मसालेदार सा मछली रहता है। बहुत 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 ज़्यादा, इसके लिए आधा घंटा मैरिनेशन रहता है इसका, उसके बाद बनाते हैं हम लोग इसको। जो है हो गया मछली, बगल में फ्राई हो रहा है चिकन, इधर जो है निकल रहा है मटन। तो नॉनवेज का आपको जो चाहिए वो मिलने वाला, थोड़ी देर में बनेगा कलेजी पथरी और भी अलग अलग वैरायटीज जो है वो बनने वाला है। और ये ऐसे मसाला मिक्स किया जा रहा है मछली में, ये हांडी में सारा मछली को डाल दिए और इस तरह से शेक करके इसे सारे मसाले को मिक्स कर रहे हैं। प्लस कस्टमर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा डिमांड है, मतलब लोग जो है कंटिन्यूसली यहाँ आ रहे हैं खाने के लिए। अभी जस्ट बना है और कस्टमर लोग जो है आना शुरू हो गए हैं। अब जाएगा इसमें तेजपत्ता? तेजपत्ता जा रहा है, मतलब तेजपत्ता फोरन में नहीं जाता, ऊपर से जाता है? ऊपर से जाता है, यही हम बता रहे थे आपको। थोड़ा अलग प्रोसेस हम देख रहे हैं यहाँ जो बनाने का है। मसाला भी अभी इसमें नहीं गया कोई, अदरक लहसुन नहीं गया ना? नहीं, अदरक लहसुन नहीं गया अभी, आप जाएगा। अदरक लहसुन भी बाद में डाला जा रहा है, पहले चिकन को जो है हल्दी नमक के साथ भुना जा रहा है और प्याज के साथ। अब जो है ऊपर से डाल दिया गया धनिया पत्ता, धनिया पत्ता का क्वांटिटी जो है आप देख सकते हैं, भर भर के जो है धनिया पत्ता डाला गया है। इसमें कितना समय लगेगा भैया? और कौन में अब हो गया, रेडी हो गया, आधा घंटा और लगेगा इसका। कह रहे हैं कि रेडी भी हो गया, फिर कह रहे हैं आधा घंटा और लगेगा अभी। तो रेडी हुआ या तो आधा घंटा लगेगा ना, क्या लगेगा, एक ऑप्शन चूज कीजिए। नहीं, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, रेडी नहीं हुआ है ना अभी, रेडी नहीं, अभी रेडी नहीं हुआ, अभी आधा घंटा का समय जो है और लगने वाला है इसमें। तो आधा घंटा पहले ही धनिया पत्ता डाल लेते हैं? नहीं, टेस्टिंग बनेगा मेरे पास ना। क्या बनेगा? टेस्टिंग होगा ये, अब टेस्टिंग होगा, मुर्गा अच्छा बनेगा भाई। अच्छा, टेस्टी बनेगा, धनिया पत्ता पहले डाल दीजिएगा तो। हाँ, ऊपर से जाएगा सरसों तेल? सरसों तेल जा रहा है इसका, मतलब मुर्गा बनने के बाद ऊपर से सरसों तेल ऐसे? हाँ हाँ। तो बड़ा नया चीज़ देखने को मिला ऐसे, मतलब चिकन जो है वो रेडी होने में आधा घंटा है और ऊपर से जो है इसमें गया है सरसों तेल। वो कच्चा था कि मतलब पका हुआ सरसों तेल था? कच्चा था, कच्चा सरसों तेल ऊपर से गया? ऊपर से गया कच्चा सरसों तेल। हमेशा आपको यही स्टाइल में बनता है? हाँ, ये हमेशा, मतलब कभी भी आया ऐसे ही बनेगा? यही बनेगा हमेशा मेरे पास। बड़ा यूनिक प्रोसेस है लेकिन, आगे खाना में तेल बहुत कम रहता है, ऊपर से ही सिर्फ टेस्ट के लिए हम लोग। अच्छा। सिर्फ ये क्या कहते हैं, समझिए कि फ्लेवर के लिए ही तेल डालते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो ये प्याज बॉयल हो रहा था उसमें तेल नहीं था? सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। अच्छा, पानी, वो सिर्फ पानी था, तेल नहीं था? भैया आप बोल दिए थे कि तेल भी है, हल्का तेल था, पानी और नमक, बस पानी नमक था। बहुत कम तेल रखते हैं हम लोग, तेल मतलब थोड़ा मोड़ा था नाम का एकदम, सिर्फ फ्लेवर के लिए। बाकी जो सारा तेल है वो ऊपर से डालता है? ऊपर से डालते हैं सिर्फ फ्लेवर के लिए, बाकी तेल नहीं। ये क्या आ गया?
ये तो जीरा है अभी पीस के डालेंगे उसमें। जीरा अभी पीसिएगा, जीरा और गोलकी को पीसा जाएगा। कोयले के आँच पे जो खाना बनता है उसका थोड़ा दिक्कत ये होता है कि देखिए इस तरह से बीच में जो कढ़ाई को हटा दिया गया, फिर बीच में कोयला तोड़ रहे हैं, कोयला यहाँ कम हो गया है तो इस तरह से कोयला को तोड़ रहे हैं फिर इसमें डालेंगे। तो ये जो है मेहनत वाला काम है, ये गैस चूल्हा वाला काम थोड़ा आसान होता है, कोयला वाला जो काम है ये मेहनत वाला काम है और वो थोड़ा स्वाद को बढ़ाता है। अब जो है सारा कोयला डाल के इसमें भरा गया, वापस से इसे सुलगाया जाएगा और फिर इस कढ़ाई को चढ़ाया जाएगा। ये अभी एकदम फ्रेश जो है जीरा और गोलकी को पीसा गया है, धनिया पत्ता डल चुका, तेज पत्ता डल चुका। अब इन्हीं लोग के बिरादरी का जो तीसरा पत्ता है उसका बारी आता है, बट उससे पहले डलने वाला है लहसुन और इसके बाद डलेगा कसूरी मेथी पत्ता। अच्छा ये आ गया जीरा गोलकी। तो चिकन लगभग 70% जो है पक चुका है, उसके बाद यहाँ डाला गया है लहसुन का पेस्ट। कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ से क्रश करके डाला जाता है ताकि जो हाथ का गर्मी है उससे थोड़ा इसका जो अंदर का ऑयल है वो बाहर निकलता है, जिससे कि थोड़ा खुशबू बढ़ता है, टेस्ट बढ़ता है। ये लॉजिक होता है इस तरह से क्रश करके डालने के पीछे। हम लोग एक लाते हैं सिर्फ लेग का पीस ही लाते हैं, लेग और थाई, उसके अलावा कुछ नहीं, एक दो गर्दन रहता है, बाकी सारा लेग का और थाई का पीस। अच्छा इसमें सिर्फ लेग और थाई का ही पोर्शन है? जी जी, बाकी कोई चेस्ट वेस्ट नहीं? चेस्ट लाते ही नहीं है, सिर्फ हड्डी वाला पीस है, डायना होगा, लेग होगा और एक दो गर्दन होगा, बाकी सब लेग है। मतलब लोग जो है यही पसंद करते हैं? जी जी बहुत ज़्यादा, सिर्फ लेग ही का पीस चलता है यहाँ पे और थाई का ब्रेस्ट वगैरह नहीं लाते हम लोग। तो लगभग आधा घंटे तक मछली को मैरिनेट करके रखा गया था और अब जो है मछली को करना है फ्राई। बगल में जो है बन रहा है चिकन, चिकन में बहुत समय दिया जा रहा है, इतना देर हम लोग चिकन में कहीं देखते नहीं है। और अब जो है ये मछली जाएगा सरसों तेल में। मछली का भैया ग्रेवी तैयार है? जी ग्रेवी तैयार है, ग्रेवी पहले ही तैयार कर देते हैं हम लोग। अब जा रहा है चिकन में चिकन मसाला। चिकन में भैया कितना समय लगेगा? और बस रेडी है, फाइनल टच देंगे इसके बाद इसको। अच्छा भुंजा चिकन जो है खाने के लिए रेडी है? जी हाँ, भुंजा चिकन खाने के लिए रेडी है, ग्रेवी वाला चाहिए तो 5 मिनट समय और। नहीं नहीं ग्रेवी नहीं, बस ये भुंजा चाहिए और रोटी मिलता है साथ में? हाँ रोटी मिलता है, रोटी हम लोग घर से ही बना के लाते हैं। अभी है अवेलेबल? जी हाँ अवेलेबल है, फर्स्ट क्लास के भुंजा चिकन खाएंगे और रोटी खाएंगे। बाकी अगर आपको मटन और मछली का मेकिंग देखना है तो बताइएगा कमेंट में, फिर से एक दिन प्लान बनाएंगे और उस दिन मटन और मछली जो है ऊपर से फाइनली एक बार और जा रहा है, मतलब एक लेयर जो है धनिया पत्ता का और जा रहा है। एक बार स्टार्टिंग में गया था, मतलब मिड में गया था, बीच में गया था, अब जो है फाइनली ऊपर से धनिया पत्ता जा रहा है। धनिया पत्ता भैया भरपूर डालते हैं? भरपूर डालते हैं, पत्तेदार चिकन। ये धनिया पत्ता हमेशा मिलेगा, धनिया का पत्ता का चटनी और धनिया पत्ता हमेशा यूज़ करते हैं हम। जो है हमारा प्लेट आ चुका है, पहले से ही चोखा भुजिया वगैरह डाल दिया गया है। इसमें ये लेते हैं 2 पीस भुंजा हुआ चिकन, एक आ गया लेग, एक भैया विंग्स दे दीजिए। लेग विंग्स बस यही दो मिलता है, थाई वाला पोर्शन बस। ये आ गया फर्स्ट क्लास का 2 पीस चिकन। इधर जो है हमारा चिकन और मछली का थाली निकल चुका है, ये ले लिए हैं रोटी और ये ले लिए हैं बोटी और ये ले लिए हैं मछली, इसका राइनिंग बैठा नहीं मछली का। तो एक पीस जो है ये है 40 रुपये का, साइज़ वाइज जो है सही से लग रहा है। एक हो गया लेग पीस और दूसरा जो है आप ये देख सकते हैं लिए हैं एक विंग्स, तो साइज जो है सही लग रहा है, टेस्ट भी होपफुली सही होगा। बैंगन का चोखा, भुजिया, सलाद, चटनी, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री। चिकन जो है मसालेदार और ज़रा सा जो है ना जो हम देखे कि सरसों तेल डाले हैं, हल्का सा उसका टेस्ट आ रहा है, ज़रा सा उसका कच्चा, हो सकता है कि जब ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्राई लिए हैं, ड्राई लिए हैं, इसलिए वो चीज़ आ रहा होगा। ओवरऑल टेस्ट बढ़िया लगा, उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि आप आएंगे तो ग्रेवी के साथ खाएंगे, तो ओवरऑल टेस्ट बढ़िया लगा। ऐसे अलग होता हुआ लेग पीस ये लिया जरा ग्रेवी में, ऊपर से डाल लेते हैं 1-2 प्याज, ये देखिए चिकन नो डाउट बढ़िया है, बस हम जो बताएं सरसों तेल वाला चीज़ वो आ रहा है, तो हम ये डाउट रखते हैं कि वो शायद ग्रेवी में ना आए, इसी में आए, क्योंकि जब पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो फील नहीं होगा। ये चूँकि हम लोग ड्राई लिए हैं
इसलिए वो चीज़ फील हो रहा है। और सारा ये लोग जो पीस है ना वो यूज़ करते हैं बोन्स वाला, उससे होता क्या है कि चिकन का ग्रेवी में जो पूरा स्टॉक है चिकन का वो आता है, फ्लैश वाला पीस जो है वो होता ही नहीं है, बोनलेस पीस होता ही नहीं है, सिर्फ बोन यूज़ करते हैं। तो जो चिकन का अपना जूसेज है जो स्टॉक है वो चला जाता है ग्रेवी में, उससे भी टेस्ट इन्हांस हुआ है। अब जो है ये मछली को ट्राई करते हैं हम, कुरकुरा सा मछली लग रहा है। मछली को ना एकदम झूर फ्राई किया गया है, तो जो झुरझुरापन होता है जो क्रिस्पी वाला चीज़ होता है वो आ रहा है। मसालेदार मछली, मिर्च मसाला इसमें भी काफ़ी है, तो तीखा जो है इसमें भी लग रहा है, बढ़िया स्वाद लगा, दोनों ही चीज़ का बढ़िया स्वाद लगा। तो इसी के ख़त्म करते हैं वीडियो, चिकन शानदार, मछली भी शानदार जानदार, मटन कैसा है पता नहीं, मटन आज हम खाए नहीं, हम आएंगे तभी जब मेकिंग उसका शूट करेंगे। तो अगर आप लोगों को देखना है मेकिंग कमेंट कीजिए, आज के लिए चिकन लेग पीस काफ़ी था, मटन नली पीस देखना है तो कमेंट कीजिए, मटन का मेकिंग शूट करेंगे, मटन को खाएंगे, उसका स्वाद बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।